लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी राहुल गांधी के गढ़ अमेठी में सेंध लगाने में जुट गई है, लिहाजा दिल्ली के फॉर्मूले पर आप अमेठी भी जीतने की तैयारी कर रही है। अमेठी के लिए आम आदमी पार्टी अपना अलग से मैनिफेस्टो बनाएगी। आपका मैनिफेस्टो अमेठी की 5 विधानसभा सीटों के लिए अलग अलग होगा। अमेठी में होगा आपका अलग मैनिफेस्टो। अमेठी में भी लागू होगा दिल्ली का फॉर्मूला। स्वराज की राह पर बनेगा आपका मैनिफेस्टो। राहुल के गढ़ में कुमार विश्वास लगाएंगे सेंध। पांचों विधानसभाओं की जो मुख्य समस्याएं हैं उनको सूचीबद्ध यहीं के नागरिक करेंगे और उसे होमवर्क प्लान में दिया जाएगा। ऐसे नहीं दिया जाएगा जैसे हर एक बच्चे का अनुदान होता है, आदमी का अनुदान होता है, छमाही में कितने आए, तिमाही में कितने आए, एक साल फेल गए तो कोई बात नहीं, दूसरे साल पूरे कर लेना, नंबर पास कर लेना, कंपार्टमेंट से पास हो गए। तो सुना आपने, राहुल के गढ़ में कुमार विश्वास सेंध लगाने के लिए तैयार हैं। दिल्ली में आपको मिली कामयाबी के बाद पार्टी का टारगेट लोकसभा चुनाव को फतह करना है, लिहाजा कुमार विश्वास राहुल के गढ़ अमेठी को पंजे की पकड़ से बाहर करने में जुट गए हैं। ये नहीं चलेगा कि प्रॉमिस हुआ फिर नहीं हुआ, 1952 में कहा आपने कि ये रेल बनेगी यहाँ तक और उसके बाद आज तक वो लाइन शुरू होने की बात चल रही है, हुई नहीं है, वो पुल टूटा पड़ा है 2 साल से, वो बन नहीं रहा है, ये सब नहीं चलेगा। अमेठी में कांग्रेस के पतवार को किनारे लगाने के लिए आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है और इसके लिए वो दिल्ली के फॉर्मूले को हथियार बनाकर चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए बनाए गए अलग अलग मैनिफेस्टो के फॉर्मूले पर ही आप अमेठी में भी अपना अलग मैनिफेस्टो तैयार करेगी। तो जो हमने दिल्ली में किया था 70 मैनिफेस्टो बनाए थे, ऐसे अमेठी का एक मैनिफेस्टो अलग बनेगा जिसमें काम यह है कि अगर हमारी सरकार में सहभागिता आती है या सदन में आम आदमी पार्टी यहां से जाती है तो आम आदमी पार्टी के सांसद का यही काम रहेगा कि वो अपने मैनिफेस्टो की छमाई रिपोर्ट अमेठी में पत्रकार वार्ता करके और एक बड़ी रैली करके हर बार देगा। अमेठी में आम आदमी पार्टी 5 विधानसभा सीटों में स्वराज की राह पर चलकर लोकसभा चुनाव में इबारत लिखने के लिए बेकरार है, जिसके लिए पार्टी ने अपने तर्कस से मैनिफेस्टो का तीर निकालकर एक कदम साफ कर दिया है। अमेठी में आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो 5 विधानसभा सीटों के लिए अलग अलग होगा। जनता आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो सूचीबद्ध करेगी। स्वराज की धारणा पर आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो बनेगा। लोकसभा चुनाव के लिए तैयार आम आदमी पार्टी राहुल के किले को भेद कर अपना विजय पताका फहराना चाहती है, लिहाजा आम आदमी पार्टी ने अमेठी की 5 विधानसभा सीटों के लिए अपना मैनिफेस्टो जनता के हवाले करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली में चला आम आदमी पार्टी का यह फॉर्मूला राहुल के गढ़ में कितना कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।